नमस्कार, स्वागत आप सभी का साथियों कच्चे पक्के कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खबर। हाँ जी, पक्के कर्मचारी जो कि रिटायर हो रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की एक वेतन वृद्धि यानी कि ACP का लाभ। दरअसल आपको बता दें, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ ACP का लाभ उनको कैसे मिलेगा। यानी कि 8 साल में ACP मिलता है, दूसरा ACP 16 साल में और तीसरा 24 में। यानी कि आपको मान लीजिए 23 साल हो गए हैं और आपको 24 माह से पहले आप 23 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आप रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से पहले आपको 24 वाला जो इंक्रीमेंट है वो दे दिया जाएगा। ये खुशखबरी है। यानी कि आपकी जैसे सर्विस 20 साल है तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिले हैं, मान लीजिए 8 और +8 यानी 16 साल 2 इंक्रीमेंट। यानी 20 साल होते ही आप 4 वर्ष के कारण वंचित रहेंगे, लेकिन सरकार बोल रही है तीसरा इंक्रीमेंट उनको दिया जाएगा। और ये किसके लिए लागू हो चुका है? रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए। केंद्र सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त वाले कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में 1 साल की सर्विस पूरी कर ली है जिसने उसके वेतन वृद्धि का लाभ ले सकेंगे। ये भी मैं बता देता हूँ क्या साथियों, 1 साल यानी कि कोई बंदा ऐसा है कि एक्सपीरियंस है, पहले कच्चा था और वो सिर्फ 1 साल ही सर्विस पूरी करता है, तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो 8 साल में लगेगा। यानी कि 7 साल बाकी हैं, लेकिन फिर भी उसको 8 साल वाला इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन शर्तें ये हैं कि कम से कम उनकी सर्विस 1 साल की हो, ज़्यादा ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। यानी कि 8 चौक 32 यानी कि 31 साल आपकी सर्विस है और आपको 32 माह इंक्रीमेंट भी सरकार देगी। ये एक अच्छी खबर है जो भी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए। और एक खबर और साथियों, 1 लाख केंद्रीय कर्मचारी इसका वेतन वृद्धि का लाभ ले रहे हैं। इट मीन्स साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1 लाख केंद्रीय कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर के बीच में रिटायर हुए हैं। यानी इतनी वैकेंसी और आने वाली है साथियों। ये खुशखबरी थी, वीडियो को शेयर जरूर।